हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CDS 2020, जो CDS 1 होगा आपका 2020 में, उसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद आप सब जानते हैं आपका एग्जाम अब अगले साल फेब में होगा। तो हम बेसिकली आज जो आपसे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी। और ये सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ये बेसिकली आपके साथ हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का रीज़न क्या होता है? देखिए, आप सब लोग जो है आर्मी में की लाइफ के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो आर्मी में भी आप लोग जानते हैं कि जब एक फौजी को बैटल में जाना होता है, लड़ाई में जाना होता है, तो वो पहले सारी स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर लड़ाई होनी है उस एरिया के बारे में समझते हैं, कौन उनका एनिमी है, कैसे उनके पास एम्यूनेशन होंगे, तो सारा पता होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो आपके पास एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो किस तरह के आपके ऊपर फायर करेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपके ऊपर क्वेश्चन से फायर करेगा। ठीक है, अब आपको उन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, आप वो तभी डील कर पाओगे जब आपको पता होगा कि पहले एग्जामिनर जो पहली लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जो आपने नहीं लड़ी होंगी शायद, लेकिन दूसरे लोग लड़कर आए हैं, तो उन्होंने उसको कैसे डील किया था। इसीलिए आपके साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, जो अतुल सर ने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि रिटन एग्जाम जो होता है वो IMA और INA के लिए, उसमें तीन पेपर होते हैं आपके। ठीक है, एक पेपर होता है आपका जनरल नॉलेज का, एक पेपर होता है इंग्लिश का, और एक पेपर होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आप देखेंगे OTA के लिए आपके सिर्फ दो एग्जाम्स होते हैं, और वो होते हैं आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश। OTA के लिए आपसे मैथ्स जो है वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये तो रही बात सिलेबस की। तो आज जो हमने बेसिकली अब डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हमने हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो हिस्ट्री की हम स्ट्रैटेजी पढ़ें, उससे पहले हम स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की जो आप स्लाइड आपके पास आई होगी, आप देख रहे होंगे, तो इसमें अगर आप स्टैंडर्ड में जो हाइलाइटेड पार्ट है उसको पढ़ें, द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स इन अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स मानी कि इंग्लिश और GK, इसमें आपका मैथ्स इंक्लूडेड नहीं होता है। तो इंग्लिश और GK के लिए जो आपको स्टैंडर्ड बोला गया है वो यहाँ पर बोला क्या गया है कि यूनिवर्सिटी लेवल का, इंडियन जो यूनिवर्सिटीज होती है, मतलब आप जो कॉलेजेस में जाते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जो कॉलेज लेवल का होता है वो बेसिकली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब ये एक लाइन से UPSC ने जो स्कोप है उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल तक काफ़ी ज़्यादा जो है हाई आपका जो है चला जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट जो कमीशन ने कहा है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो अक्सर काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर नोटिफिकेशन हम बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द कमीशन हैज़ डिस्क्रिशन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपके तीन एग्जाम है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल IMA के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आपके तीन एग्जाम होंगे। ठीक है, तो तीनों में एक स्टैंडर्ड जो है क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स का पेपर जो है वो मैं कहता हूं 100 नंबर का है। ठीक है, तो ये 100 नंबर के पेपर में से आपको UPSC ये बोल देगा कि 20 मार्क्स जो हैं ये तो आपको कम से कम लेने ही हैं। ठीक है, अगर ये 20 नंबर आपके नहीं आए तो इसका मतलब आप पेपर में चाहे आपका फाइनल स्कोर जितना भी बने, चाहे तीनों सब्जेक्ट्स में आपका मिला के स्कोर 300 में से 150 भी क्यों ना बन जाए, कि भाई आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं या आप जनरल नॉलेज में बहुत अच्छे हैं और उसमें आपने 100 में से 75-80 दोनों में ले लिए, पर आपका मैथ्स में स्कोर जो है वो 20 से कम रह गया, तो क्या होगा आपका, आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका प्रीलिम्स जो है, जो पेपर है, रिटन एग्जाम है, वो क्लियर ही नहीं होगा। अगर आप अभी देखें तो आपके पास कुछ जो पहले होता था 20 मार्क्स रखे थे, अभी जो है UPSC ने बोल दिया कि हमारी डिस्क्रिशन पे है, तो ये 20 मार्क्स भी रख सकते हैं। ठीक है, या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर हम 20 मार्क्स वाला स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हर एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आज GK की बात कर रहे हैं, तो GK के एग्जाम में आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होते हैं। अब अगर आप ये 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होते हैं, तो अगर आप 100 मार्क्स को 120 क्वेश्चन से डिवाइड करो तो आपका एक क्वेश्चन के जो मार्क्स आते हैं वो 0.833 आते हैं। ठीक है,
फर्दर क्योंकि आपको 20 नंबर चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप 20 मार्क्स को 0.833 से डिवाइड करोगे तो मतलब आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। जनरल स्टडीज में आपको 25 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। अगर आपने 25 क्वेश्चन ठीक नहीं करे तो आपका मैथ्स चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, इंग्लिश चाहे आपका जितना मर्जी अच्छा हो, आप पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज अब इसमें क्या आती है, वो ये आती है कि 25 क्वेश्चन तो आप करोगे, पर ऐसा भी नहीं है कि आप 25 के 25 सारे करेक्ट कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उसके हिसाब से आपको लेकर चलना है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। और वैसे भी हम आपको ये गाइड नहीं करते, ये सजेस्ट नहीं करते कि आप अपना टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना रखें। आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिए, मैक्सिमम ठीक क्वेश्चंस करने की ट्राई कीजिए, जिससे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट जो आता है आपका सिलेबस। सिलेबस में आपको सीधा सीधा इन्होंने क्या बोला, सिलेबस में इन्होंने बोला है जो जनरल नॉलेज सिलेबस है आपका, उसमें अगर आप देखें सिलेबस बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, और जो हाईलाइटेड पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहां पर हाईलाइटेड है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये आपसे क्या पूछेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बहुत वाइड टर्म हो गई, उसमें आपका सारा जो इतिहास चला आ रहा है, हजारों साल का जो इतिहास है वो सारा आ गया। उसमें आपका एंशियंट इंडिया भी आ गया, आपका मिडिवल इंडिया भी आ गया, और आपका मॉडर्न इंडिया भी आ गया। तो ब्रीफली आपका जो एंशियंट इंडिया है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, अगर आप देखें उसमें हम पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स की कैसे अर्ली मैन आया। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो सेटल डाउन उसने होना शुरू किया। उसके बाद आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं वैदिक एज के बारे में। फिर हम दो नए रिलीजन्स के बारे में पता करते हैं जो हिंदुस्तान की धरती पे जिनका जन्म हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म। उसके बाद हम मगध एम्पायर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है संगम एज, गुप्ता एज, और फिर हर्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे ही अगर आप देखें जो नेक्स्ट है उसमें आप देखते हैं मिडिवल इंडिया के बारे में। अब मिडिवल इंडिया में भी ऐसे ही आपके टॉपिक्स डिवाइडेड हैं, राजपूत पीरियड पढ़ते हैं हम, और चोला और अदर्स सदरन एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं, सल्तनत पीरियड हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, जैसे बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स इस समय पे आए, जैसे गुरु नानक देव जी अगर आप लोग जानते हो। उसके अलावा आप मुगल्स के बारे में और मराठास के बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक आता है वो आ जाता है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आएंगे, और अलग अलग यूरोपियंस आएंगे, फ्रेंच भी आएंगे, इंग्लिश भी आएंगे, डच भी आएंगे, डैनिश भी आएंगे, और कुछ समय में जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जिनका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो आपके ब्रिटिशर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे एक्सपेंशन करेंगे तो आपका ब्रिटिश एक्सपेंशन आ जाएगा। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आएंगी, क्योंकि उस समय पे जो डिफरेंट रिलीजन्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, तो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी लोग आएंगे और सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आएंगी। फिर विद्रोह होगा 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सब जानते हैं कांग्रेस के बारे में। और फिर महात्मा गांधी आएंगे और नेशनल स्ट्रगल जो है, आज़ादी की लड़ाई जो है वो एक अलग लेवल पर चली जाएगी, और अल्टीमेटली हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी 1947 में। तो ये ब्रीफ है, एक ब्रीफ सिलेबस है, बाकी जो है चैप्टर वाइज हम डिविजन्स फर्दर इसकी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें, अभी स्लाइड हटा दीजिए, अब स्लाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, अब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी चार्ट दिखाने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हमें इतिहास पे क्यों फोकस करना है सीडीएस के एग्जाम के लिए। तो हम यहां पर बेसिकली आपके चार लास्ट के सीडीएस के जो एग्जाम्स हुए हैं, 2019 का CDS 2, 2019 का CDS 1, 18 का 2 और 1 CDS, उसका हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इन्हीं तीन हेड्स के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। अगर आप बात करें ईयर की,
तो जो 2019 में जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है CDS 2, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें आपके एंशिएंट में से 4 क्वेश्चन आए थे, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन आए थे, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 4 सवाल, मिडिवल में 3 और मॉडर्न में 10। अगर आप टोटल देखें तो इस साल हिस्ट्री में से आपके 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब बात करते हैं 2019 CDS 1 की। इसमें आपके एंशिएंट में से 0 क्वेश्चन आए थे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मिडिवल में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, और मॉडर्न इंडिया में से आपके 18 यानी कि 18 क्वेश्चन आए थे, टोटल आपके 20 क्वेश्चन आए थे। आप देख रहे हो एंशिएंट इंडिया में 4 सवाल पूछे गए 2019 के CDS 2 में, पर CDS 1 में एक भी सवाल नहीं आया। ठीक है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 18, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सवाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आए। ठीक है, आगे भी देखते हैं ताकि हमें और थोड़ा पैटर्न समझ में आए इसका। अगर आप देखें 2018 का CDS 2, तो इसमें एंशिएंट इंडिया में से फिर से 6 क्वेश्चन, मिडिवल इंडिया में से भी 6 क्वेश्चन, और मॉडर्न इंडिया में से 11 क्वेश्चन। तो टोटल इसके आपके 23 क्वेश्चन यहां पर है। नेक्स्ट 2018 CDS 1, तो इसमें अगर आप देखें एंशिएंट में से अगेन 6 क्वेश्चन, मिडिवल में से इस बार 9 क्वेश्चन, और मॉडर्न में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन, टोटल 19 क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल हिस्ट्री की। अगर हम ओवरऑल देखें तो आप देख रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री में से हर साल 20 तो पूछे ही जाते हैं, मतलब 120 में से 20 सवाल तो आपके हिस्ट्री के होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात ये उठती है कि इन तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा रेलिवेंट कौन सा है, तो ये कैसे डिसाइड करें, ये आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि UPSC आपको लेटर भेजेगी कि भैया इस साल जो 2020 का CDS 1 होगा उसमें हम मॉडर्न इंडिया में से इतने सवाल पूछेंगे, एंशिएंट इंडिया में से इतने पूछेंगे, और मिडिवल में से इतने पूछेंगे। वो आपको नहीं बताएंगे, वो सरप्राइज है सबके लिए, वो एग्जाम के दिन ही सबको पता चलेगा कि भैया मॉडर्न में से कितने हैं और किस में से कितने हैं। तो अब ये देखो, आप ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो नो डाउट आपके मॉडर्न इंडिया से पूछे गए हैं, पर अगर आप 2018 वाला CDS देखो, जो CDS 1 हुआ था फेब में, उसमें सिर्फ मॉडर्न इंडिया में से 4 सवाल पूछे गए थे और मिडिवल में से 9 पूछे गए थे, ज्यादा पूछे गए थे। तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन में जाना है अगर, तो हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप गए एग्जाम में 2020 का जो आपका CDS 1 है उसमें से एंशियंट इंडिया में से अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, अभी तो आप इग्नोर करके चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ 2019 वाला CDS का पेपर देख लिया, जो CDS 1 था 2019 में, आपने कहा कि भैया एंशियंट इंडिया में से तो सिर्फ कोई सवाल ही नहीं पूछा गया, और आप उसको छोड़ दो, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो टॉपिक्स आपको जो है तीनों कवर करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। तो ये बात हो गई पैटर्न की यहां पर। अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली 4 पैटर्न के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके आपके सामने आएंगे। अब ये देखिए, जो पहला आपके सामने सवाल आया, और मैं आपको पहले ही बता दूं यहां पर हम क्वेश्चंस के सोल्यूशन या क्वेश्चन की डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मोटिव आपको सिर्फ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पूछने का तरीका क्या है वो बताना है, ताकि आप थोड़ा सा उससे समझ जाएं कि सवाल कैसे आएगा। तो जो पहला सवाल है, ये सीधा सा सवाल है, आपसे सवाल पूछा गया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, आपको चारों में से एक जो है सही बताना है। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा कंफ्लिक्ट नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वो वाला है। उसके बाद अगर आप देखें जो दूसरा क्वेश्चन है, अब जो आपके सामने क्वेश्चन आया है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई, 1, 2, 3, 4 करके नीचे स्टेटमेंट दे दी गई, और आपसे नीचे पूछ लिया गया कि भाई इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, एक तरह का ट्रू एंड फॉल्स है, जैसे हम स्कूल में खेलते थे। अब स्कूल में तो एक सिंगल स्टेटमेंट होती थी, उसके आगे हमें ट्रू लिखना होता था या फॉल्स लिखना होता था। इसमें 4 स्टेटमेंट दे दी और नीचे ऑप्शन में पूछ लेगा कि भाई क्या सिर्फ एक ठीक है, या 2 और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, या तीसरी स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है, या पहली और चौथी स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरह का सवाल आ जाता है, स्टेटमेंट आपसे पूछ लेंगे करेक्ट। अब इसमें एक वेरिएशन भी हो सकती है, आपसे इनकरेक्ट भी पूछ सकता है कि भाई इनमें से फॉल्स कौन सी है ये बता दो, तो आपका फॉल्स वाला आंसर हो जाएगा। ये आपका एक पैटर्न हो गया। उसके बाद आप देखें तो जो नेक्स्ट पैटर्न है वो आ जाता है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एक तरफ जैसे इस क्वेश्चन में एक जगह पर आपको साइट्स दे दी और दूसरी जगह पर उनका मॉडर्न नाम क्या है, एंशियंट साइट क्या है और मॉडर्न नाम क्या है आपको बोल दिया गया। अब आपको मैच करना है और नीचे जो ऑप्शन सही होगा उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ये मैच द फॉलोइंग आ गया।
और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हिस्ट्री में अक्सर सीडीएस में पूछा जाता है, वो ये है। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है। नीचे दो स्टेटमेंट दे दी। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, द फॉलोइंग टू आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स गिवन है और एग्जामिन दिस टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब दो स्टेटमेंट गिवन है। ऑप्शन ए क्या है कि भाई दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इंडिविजुअली ट्रू हैं, मतलब दोनों ट्रू हैं, और जो स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट वन को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन बी कि भाई दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं पर स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं करती। ऑप्शन सी कि स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है, और डी स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है। तो बात तो वही आ गई। अब आपको नीचे दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उसके हिसाब से आपको जज करके इसमें ए बी सी डी में से आंसर देना है। तो ये आपके चार टाइप के क्वेश्चंस जो है मेनली हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। अब अगर हम देखें तो स्लाइड्स को हटा दीजिए। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर हमें एग्जाम को हिस्ट्री को क्लियर करना है तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अप्रोच में सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे बात की कि वॉर की बात मैंने आपसे की, लड़ाई में जाने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि सामने वाले के पास हथियार क्या हैं। अगर आप एक कंट्री से लड़ने जा रहे हो और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपको पता ही नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्या करोगे। तो सबसे पहले इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस के गो थ्रू करें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं इनको एनालाइज करें। पिछले 5-6 सालों के जो है आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप पढ़ाई करेंगे तब भी आपका ध्यान जाएगा कि हाँ इस तरह से यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी के लिए, वो है कि आपको एनसीईआरटीज जो है वो पढ़नी है, ठीक है। आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, बेसिक टेक्स्ट है, और क्योंकि सीबीएसई की बुक्स हैं तो गवर्नमेंट बुक्स आप इनको एक तरह से बोल सकते हो, तो काफी ज्यादा जो है आपके सब्जेक्ट इसमें से कवर हो जाते हैं। तीसरा इसमें आपको करंट अवेयरनेस भी थोड़ी सी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कि करंट अवेयरनेस हिस्ट्री में क्या करनी है, करंट अवेयरनेस हिस्ट्री में तो कोई काम ही नहीं है, तो इतिहास पूछा जा रहा है, तो इतिहास में भी करंट अवेयरनेस का क्या काम है, मैं वो आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आज है 1 नवंबर, कल था 31 अक्टूबर 2019, तो उस 31 अक्टूबर की सिग्निफिकेंस क्या है, इस दिन मनाया जाता है एकता दिवस, ठीक है। किस लिए बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल स्ट्रगल के एक पार्ट थे, हिस्ट्री का पार्ट आ गया, मॉडर्न इंडिया में आ गया। अब क्योंकि इतनी ज्यादा रेलिवेंस इस चीज को दी गई है, आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछ लेंगे कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा कि भाई 1931 में कराची के सेशन में जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट बने थे। या सवाल पूछ लेंगे कि भाई इस सेशन की रेलिवेंस क्या थी जिस सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट बने थे, तो आप कह दोगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो जब सब्जेक्ट कवर करोगे तब हो जाएगा। मेनली यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया कि करंट में आपको पता होना चाहिए। अब कोई आर्किटेक्चरल प्लेस है, ठीक है, वो 1000 साल पहले बनी थी, आज उसके 1000 साल पूरे हो गए, तो वो इंपॉर्टेंट होगी, किसने बनवाई, कब बनवाई गई, क्यों बनवाई गई, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, तो वो सारी चीज़ें। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट ईयर जो है क्वेश्चंस देखें, एनसीईआरटीज को पढ़ें, और करंट अवेयरनेस जो है वो आपकी साथ के साथ चलती रहे। उसके बाद अब आप ये देखिए कि अभिपीडिया आपको कैसे हेल्प करेगा। अब अभिपीडिया का रोल इसमें क्या है, अभिपीडिया का रोल इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग आपके लिए है। अगर आप अभिपीडिया की वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज जो है कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज मिलेंगे जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सब उसमें एक ही जगह पर मिलेंगे, आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईयर वाइज क्वेश्चंस आपको अरेंज मिलेंगे, वेब नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप जो है फ्री टेस्ट सीरीज है हमारी जो सीडीएस के लिए, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा, और लाइव सेशंस भी हमारे सीडीएस 2020 के लिए चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कि नेक्स्ट आप देखें यूट्यूब पर जो हमारी ये स्ट्रैटेजी लाइव क्लासेस आज हिस्ट्री के लिए हमने कवर की है, वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी इनको कवर किया जाएगा। पॉलिटी की स्ट्रैटेजी क्लास आपको दी जाएगी, इकोनॉमिक्स के लिए दी जाएगी, तो सारी स्ट्रैटेजी क्लासेस आपको देंगे ताकि आप कंप्लीटली एग्जाम में क्या आना है उससे अवेयर हो जाएं, ठीक है। आपके लिए कोई भी हिडन एक फैक्ट ना रहे, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको यही बात रिपीट करना चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ये टेस्ट सीरीज कम्प्लीटली फ्री रहेगी, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप जो है एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इससे ज़्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रिपेयर करना, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।